नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला, 38 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा लोग घायल। एयरपोर्ट में घुसे तीन हमलावरों में से दो ने खुद को उड़ाया। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा, ISIS पर है हमले का शक, अमेरिका समेत कई देशों ने की हमले की निंदा। लंदन ने मांगी ब्रिटेन से स्वायत्तता, ब्रिटेन के मेयर सादिक खान ने की ज्यादा अधिकारों की मांग को ब्रेक्जिट से पैदा आर्थिक निश्चितता को खत्म करने के लिए बताया जरूरी। अमेरिका का दावा, MTCR में भारत के प्रवेश से परमाणु अप्रसार को मिलेगा बढ़ावा। भारत को MTCR का सदस्य बनाए जाने पर अमेरिका ने किया स्वागत। मुस्लिमों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, अमेरिका में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध में छूट की बात कही। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं ट्रंप। यमन में हुई झड़पों और हवाई हमलों में 38 आम नागरिकों समेत 80 लोगों की मौत, बेनतीजा रही कुवैत शांति वार्ता, शिया विद्रोहियों के ठिकानों को बनाया गया था निशाना। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।